आया कि बोलने का नंबर आएगा, तो उन्होंने कहा कि सभी हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने केंद्रीय टीम से आए हुए हैं और सभी लोगों ने बोला है, तो थोड़ा सा मैंने कविता के माध्यम से कहना चाहूंगा। जय एकल संगठन। भारतीय नागरिक होकर भारतीय का आप सभी सम्मान करो, हम सभी भारतीय एक, हमारे मत उसका नुकसान करो, चाहे कोई भी हो भारतीय नागरिक मत उसका अपमान करो, हो कोई भी अशिक्षित भारतीय नागरिक मिलकर शिक्षा का दान करो, अपनी गाय गंगा माता धरती माता का सम्मान करो, मौसम आ रहा है अभी वृक्षारोपण कर अपनी धरती का सम्मान करो, ऑर्गेनिक खेती कर अपनी धरती को रसायन से मुक्त कराओ और कराओ। अगर कोई भी संगठन का व्यक्ति चुनाव लड़े तो शत प्रतिशत मतदान करो और कराओ, हो बीमार कोई भी भारतीय नागरिक उसे रक्तदान कर एवं बीमारी में उसका सहयोग करो, अगर जरूरत हो संगठन के सदस्य को घर जाकर श्रमदान करो, अगर मुसीबत में हो कोई फौरन मदद का काम करो, अगर दिखे उदास कोई खुश करने का काम करो, अगर संगठन का कोई सदस्य घर आए तो जय एकल बोल कर सम्मान करो, अपने से कोई बड़ा हो तो उसको प्रणाम करो। जय एकल संगठन। यदि संगठन के माध्यम से कोई विकास करना चाहता है तो ये कविता जरूर उसको बताएं, जिससे कि अपनी पंचमुखी योजना का प्रचार प्रसार हो सके। धन्यवाद। जय एकल। हमारे गुरु जैन साहब हैं जो अपने हारों के ये कविता लिखना या थोड़ा उसका सीखने का प्रयास किया है, वो हमारे आदरणीय श्री विजयपाल जैन जी हैं जो आरओ को सुशोभित कर रहे हैं और इसके जो है हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य भी हैं। धन्यवाद। राम काजल की मम अवतारा, एकलमय हो जीवन सारा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम काजल की मम अवतारा, एकलमय हो जीवन सारा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।